हाय एवरीवन, दिस इज सरगम गेरा। यार अगर मॉर्निंग की शुरुआत अच्छे से हो जाए ना, पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करती हूँ। ऑल्दो वॉक मैं पहले करती नहीं थी, मुझे चलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, तो मैं मॉर्निंग के लिए कार्डियो करने के लिए जिम चली जाती थी, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, ये सब। बट अब कोविड में आप लोगों को पता ही है, सब बंद हो गया, तो मजबूरी में वॉक करने आना पड़ा मॉर्निंग में, कि कोई और ऑप्शन नहीं था कार्डियो का, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। बट एक्चुअली जब आप करने लगोगे ना, बहुत ही अच्छा लगता है। वॉक के अपने ही अलग बेनिफिट्स हैं, कार्डियो तो हो ही जाता है, बट आप खुद देखो मॉर्निंग में इतनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा लगता है। और अभी तो ऐसा हो गया कि मैं अपनी मॉर्निंग वॉक मिस ही नहीं करती, कभी कभी लेट हो जाती हूँ, जैसे 9 भी बज जाते हैं यार, कभी कभी काम कर रहे होते हैं रात तक, तो सुबह लेट हो जाता है। बट मॉर्निंग वॉक तो मैं फिर भी करने आ ही जाती हूँ, बिकॉज इट रियली फील्स गुड। वॉक से वैसे बहुत अच्छा कार्डियो हो जाता है, और मेरी तो मेडिटेशन भी हो जाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं इवनिंग में करती हूँ, बट खाली उससे नहीं चलता यार, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब डाइट की बात चल ही रही है, और क्योंकि ये एक फिटनेस चैनल है तो टिप देना तो बनता है ना, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की शुरुआत प्रोटीन और कार्ब के अच्छे कॉम्बिनेशन से करनी चाहिए। दीदी, अंडे उबाल दिए? अच्छा, फिश धो के रखी? अरे टेंशन मत लो यार, ब्रेकफास्ट में फिश नहीं खाती हूँ मैं। और ब्रेकफास्ट में मैं खाती हूँ ओट्स, थोड़ा कैमरा आगे लेके आओ यार, अप्रॉक्सीमेटली 33 ग्राम, विच इज़ 1 सर्विंग। और 1 सर्विंग सभी के लिए ओके होता है, बट अगर आपका गोल कुछ और है, वेट गेन, तो आप उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान कर लो। और उसके साथ मैं खाती हूँ 5 एग व्हाइट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन और कार्ब चाहिए, तो प्रोटीन मुझे मिल जाता है एग से, और कार्ब मुझे मिल जाता है ओट्स से। और बाय द वे, जो मैं फिश की बात कर रही थी, वो मैं लंच के लिए प्रिपेयर करती हूँ। 11 बज चुके हैं, वैसे तो मैं अपना ब्रेकफास्ट 9:30 कर लेती हूँ, बट क्योंकि आज आप लोगों से बात करनी थी और आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाना था, और कंटेंट बनाने में यार बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। रखो, हाँ ऐसे जाना, ठीक है, टेक। हमें क्रॉस करना था, हमें वैसे क्रॉस करना है, आपको क्रॉस करना, मतलब आप इधर से निकलोगे, मैं इधर से निकलूंगा। कार्डियो से वॉक से, इसीलिए मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट भी बनाते रहे। चलो फाइनली इट्स टाइम टू एंजॉय माय मील। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू रियली लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो एज वेल। See you next week, and as I always say, follow your passion, follow your dreams, and stay.